जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। असल मुंसिफ है खुदा, असल मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग। और जिंदगी ठीक है अगर, और जिंदगी ठीक है अगर, तो ना मिलना बेहतर है। जिंदगी ठीक है अगर, तो ना मिलना बेहतर है। और अगर हक है तो इतनी शराफत से ना मांग। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में, मैं हूँ खुर्शीद आलम। अलहुदा प्राइमरी स्कूल में रिपब्लिक डे का आयोजन, देश के हर हिस्से में रिपब्लिक डे की धूम है। आज बीजापुर के अलहुदा उर्दू प्राइमरी स्कूल में रिपब्लिक डे मनाया गया। इस मौके पर अतिथि रहे बीजापुर के माजी MLA डॉक्टर मकबूल बागवान ने बच्चों को संविधान का महत्व बताते हुए कहा कि जिंदा रहना है तो सांस हुकूमत से ना मांग, असल मुंसिफ तो है खुदा, रहम अदालत से ना मांग। जिंदगी भीख है अगर, तो ना मिलना बेहतर है। अगर हक है तो इतनी शराफत से ना मांग। और कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान बड़ी मेहनत से बनाया था, मगर आज कुछ लोग इस संविधान को ही बदलना चाहते हैं। आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह आज़ादी की जंग में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, आज उसी तरह मर्द और औरतें संविधान की हिफाजत में हिस्सा ले रहे हैं। जब भी इसकी तारीख लिखी जाएगी, तमाम लोगों का नाम भी इस तारीख में लिखा जाएगा, कहा माजी MLA डॉक्टर मकबूल बागवान ने। इस मौके पर आफ्ताब कादरी काजी साहब, स्कूल के हेडमास्टर्स, टीचर्स और बड़ी संख्या में बच्चों रहे मौजूद। तेरे नाम से ऐकार साज दो जहां, रहमत तेरी सबसे बड़ी, तू सबसे बड़ा मेहरबान। मैंने बस रुका ऐकार तमाम वालिदैन और मेरे शम्मा इल्म के परवानों, जैसे अलहुदा की खुशगवार सरजमीन पर सुबह की इन महकती फिजाओं में यौम जमहूरिया का तिरंगा परचम लहरा चुके हैं। तमाम सभी को यौम जमहूरिया की 71वीं परचम कुशाई। इस यौम जमहूरियत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी अभी हमारे काजी साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, जैसे कि इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए यानी 1947 15 अगस्त को उनके बारे में बड़ी तफसील से बताया है। उस दिन इस देश को अंग्रेज़ों ने या अंग्रेज़ों को इस देश के सारे जिम्मेदार मिलके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब लोगों ने एकजुट होकर इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अंग्रेज़ों की गुलामी को निकालने के लिए क्या क्या किए हैं, कितनी शहादतें दी हैं, कितनी कोशिशें की हैं, बड़ी तफसील से हमारे काजी साहब ने बताया है। उस वक्त 15 अगस्त को अंग्रेज़ों ने इस देश को छोड़ के हमारे हवाले किया था, मगर आज की तारीख बड़ी अहमियत की तारीख है। जो 26 जनवरी को इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था, उसके जिम्मेदार एक टीम बनी थी, उस टीम के नेतृत्व हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने किया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात क्या है, इस जमहूरियत की खास बात क्या है, उन्होंने अभी अपना प्रियम्बल पढ़ के अपने आप लोगों को सुनाया था। उसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूँ, जमहूरियत का असल मकसद क्या है, वो है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पब्लिक के जरिए
इस हुकुम जो अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर जुल्म किए थे उस जुल्म को हटा के पब्लिक के जरिए अपने हुक्मरान को चुनने का हक इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। आज इतने 71 सालों से हम बड़े अमन से सुकून से जी रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अब ऐसे कुछ हालात बन रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही कुछ लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हिंदू हो या मुसलमान हो, इस मुल्क को आज़ादी के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसको हमें बरकरार रखने के लिए हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। खास तौर से हमें बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले दिनों में इस मुल्क को आज़ादी के लिए बहुत से मर्द हजरात औरतें भी काम किए थे, मगर इस बार इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो आज हमारे माँ बहनें और औरतों ने इतनी अपनी चाहत इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई है, शायद ये इतिहास में पहले हमने कभी नहीं देखा है। आज जिस तरह आज़ादी के लिए जितने लोगों के नाम आज भी हम लिए जाते हैं, मैं समझता हूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए उसी तरह आज हमारे माँ बहनों के भी नाम आगे लिए जाएंगे। हमें इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एकजुट होके हमेशा इसी तरह हमें काम करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपनी बराबरी का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, एक साथ मिलजुल के रहने का हमारे काजी साहब ने अपना प्रियम्बल में पढ़ के सुनाया था। मैं चाहता हूँ इसी तरह हम अपनी एकजुटी कर दिखाएंगे तो हमें इंशाल्लाह इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी को भी चेंज करने की हमें इजाज़त नहीं देंगे। और ख़ास तौर पे हमारे स्कूल के जिम्मेदार को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने इस तरह एक अच्छा प्रोग्राम आपने किया है। जो हमारे बच्चों के हाथ में आज तिरंगा देख के बड़ी खुशी होती है, ख़ास तौर पे हमारे असातिज़ा कराम ने भी और स्कूल के जिम्मेदार भी, आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि आपकी खिदमत को अल्लाह कबूल करें, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारे असातिज़ा कराम हो, चाहे जितने भी इसके पीछे काम कर रहे हैं, आपकी काम को इसका अल्लाह इसका अच्छा नतीजा दें। बच्चों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे पढ़ाई करें, अपने टीचर्स का, अपने माँ बाप जो आपके लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप कामयाब हो और अपने माँ बाप का नाम भी करें, अपने स्कूल का नाम भी करें, अपने टीचर्स का नाम भी करें, साथ ही साथ इस मुल्क में ज़्यादा अभी हमारे काजी साहब ने और एक बात बताई कि लोग हमारी हम लोगों पे शक कर रहे हैं, ये सरासर गलत है कि लोग हमें हम पे शक कर रहे हैं, क्योंकि वतन से मोहब्बत करना भी हमारा एक दीन का हिस्सा है। हम कभी वतन से कभी गद्दारी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमारा दीन ने हमें सिखाया है कि आप जहाँ रहते हो उस वतन से हमें मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा और बात ना करते हुए मैं एक अपनी शेर से इस बात को मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा, असल मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग। और जिंदगी भीख है अगर तो ना मिलना बेहतर है,
जिंदगी भीख है अगर तो ना मिलना बेहतर है, और अगर हक है तो इतनी शराफत से ना मांग। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में रहने बसने वाले हर मजहब के, हर औरत के लिए, हर मर्द के लिए ये सीए है, ये एमआरसी है, और हमें इसकी एहतजाज करना है। हम बाहर आना है। हम देख रहे हैं बीजापुर में एक बड़ी फिक्र की बात है कि एहतजाज हमने हर मोहल्ले से, हर इलाके से करने की शुरुआत की। लोग आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना हमारा एक एक्सपेक्टेशन था। वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी शोर हमारे लोगों में नहीं है। औरतों के लिए मैं खुसूसी तौर पर कहता हूँ, मैं यहाँ ठहर के बात कर रहा हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे घर के एक मिसाल देता हूँ। मैं जब आसार महल में शमी बाबा जो एक आलिमा है, उन्होंने रोजाना एक शाहीन बाग बनाने का आसार महल में ऐलान किया, औरतों का सुबह में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो एक एहतजाज करने का क्या है प्रोग्राम बनाया, मैं पहले क्या है मेरी बीवी को बोला, तुम पहले जाओ, रोजाना जाओ, तुम उसमें शिरकत फरमाओ। मैं मेरी बीवी को यह भी बोला, अपने आप को आप बीवी समझ के घर में बैठे तो आज का वक्त ये नहीं मानने वाला। आज वक्त की आवाज है, वक्त की जरूरत है कि आप जाओ, शाहीन बाग में जाओ, आसार महल में जाओ। मैं मेरी बीवी को यह भी बोला, जहां टीवी में आपको मौका मिलता है आप बात करो। एक नहीं दो बार मेरी बीवी बात करी, क्योंकि क्या है, एक सियासी या एक कौमी जिम्मेदार होने के नाते मैं जहां भी ऐसे मौके में क्या है बात करता हूँ, कहीं यहाँ बैठे हुए मेरी बहन या मेरी माँ ये नहीं पूछना कि जो है आप बात कर रहे हैं साहब, आपकी बीवी को बाहर लाओ। जो काने चले भारत मांगे लाज बचाने। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं। कल्याणाद्भुत गात्राय श्री वेंकटेश्वर स्वामी ज्योतिष्यालय। ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471878. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ.
ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡೇಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100%ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಾಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.